जो आपके गांव की मेन समस्या है, मुझे लगता है कि शायद वो आज भी खत्म नहीं होगी। पानी पीने की, पानी की समस्या ये दूर होगी भाई, दर पीने की पानी की समस्या पुराना वासियों की भी होगी। दूसरी बात, पुराना गांव जो है वो पिछड़ा वर्ग से संबंधित गांव है, सब लोग पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे साथी हैं सरपंच साहब, हेलो, अपने गांव की जहां तक बात थी, पिछड़ा वर्ग और दलित समाज अपने गांव में ज्यादा है। अब आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा देके संविधान को खत्म करने की साजिश षड्यंत्र रच रही है। जहां तक आरक्षण की बात है, निजीकरण करके किस प्रकार से जो एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, जो रेल और भेल बेची जा रही है, जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वो बेची जा रही है, उसका बेचने का मतलब है कि आपको जो आरक्षण मिल रहा है वो आपका आरक्षण धीरे से समाप्त हो जाए। ये लोग नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग आगे बढ़े। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, आदरणीय हमारे पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे श्री राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि जितनी आबादी उतना हक, ये जाति जनगणना होनी चाहिए। क्या कारण है इस देश में गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी सबकी गिनती हो चुकी है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं हुई है। 1932 में जाति जनगणना हुई थी, उसी जाति जनगणना के अनुसार आज भी ओबीसी को लाभ मिल पाता है। 1931 का और आज का कितना अंतर देख पाते हैं, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी हो उसको उतना हक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ भाई, मिलना चाहिए ना। तो दूसरी बात जो सबसे जरूरी बात है कि एक समय तो वो था जब ज्योति भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में, हमारे लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय जयप्रकाश जयपी जी पहुंच चुके हैं। भाई जयप्रकाश जयपी, भाई जयप्रकाश जयपी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ठीक हो, ये तो मैं ठीक हो रहे हैं।